खाना पीना चैनल में आपका स्वागत है। YouTube पे आप लिखे NIKHIL निखिल 9840। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर कोई भी चीज को आपको खमीर जमाना हो, जैसे डोसा हुआ, इडली हुआ या ढोकला हुआ, तो आप उसमें खमीर कैसे जमाएं या उसको फॉर्मेट कैसे करें। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, एक कप दही है, दो कप सूजी है और नमक है और चीनी है। आप लोग ने बहुत बार सुना होगा ना, नमक चीनी में केमिकल होता है, नहीं खाओ कम खाओ। आज मैं इसी केमिकल के द्वारा मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको फॉर्मेट या खमीर कैसे जमाया जाए। आप ध्यान से मेरे इस वीडियो को देखिए। मैंने एक कटोरा दही ली हूँ और ये दही मेरा होममेड दही है, और मैं इसलिए बार बार इस दही पे प्रेशर देती हूँ कि आप इसी दही से बनाइए, कि क्योंकि मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर मिलाया है और कॉर्नफ्लोर का एक भूमिका है आपके किचन में, कोई भी चीज़ को फुलाने में या फॉर्मेट करने में वो एक अहम भूमिका निभाता है। जब मैं केक के भी क्लास दिखाऊंगी तब मैं बताऊंगी कि कॉर्नफ्लोर का प्रयोग कैसे किया जाता है। अभी देखिए, मैंने इसमें दही डाली हूँ अच्छी तरह से। आप भी होममेड दही डालिए। देखिए, ये दही में मैं दो बाटी सूजी डाल दी। अब मैं इसमें नमक डालूंगी, स्वाद अनुसार नमक ही डालना है, हमको बेसी नमक नहीं डालना है। अब आप इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब इसमें आप अंदाज से पानी डालिए। जब भी आप मिलाएं ना, तो आपका डायरेक्शन एक दिशा में हो, या तो आप राइट जाए या तो आप लेफ्ट जाए, या तो आप ऐसे ऐसे फेंटे या तो आप ऐसे ऐसे फेंटे। ऐसे 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 फेंटना इससे ख़राब हो जाता है। तो मैंने जैसे ऐसे ऐसे फेंटी हूँ, मेरी हाथ हमेशा ऐसे चलती है। आप देखिए, मैंने इसको मिला दिया। अब खमीर जमाने के लिए क्या करना होगा, समझ लीजिए। ये आपका, जैसे मैंने सूजी दही के विषय में बोले हूँ कि आप इससे इडली डोसा बना सकते हैं, समझ लीजिए ये बेसन है, आपको ढोकला बनाना है। आपने फेंटा, आपका ढोकला नहीं फूला, तो आप क्या कीजिएगा, ये देखिए चीनी है। आप क्या कीजिए, चीनी को ऐसे इस पर स्पार्कल जैसा कर दीजिए। आप देखिए, चीनी को पूरा फैला दीजिए इस पर। वैसे नहीं देना है, हमको फैलाना है। आप देखिए, मैंने पूरी अच्छी तरह से इसमें जाल जैसा फैला दी हूँ। अब आप इसको ऐसे ढक कर कोई गर्म स्थान पर रख दीजिए। अगर विंटर का सीजन है तो आप अपने माइक्रो ओवन को 10 मिनट गर्म कीजिए और लाइट ऑन करके रख दीजिए, या तो अगर आपके घर में माइक्रो ओवन नहीं है तो इसको चट्टोपाष्टो कम्बल ओढ़ा दीजिए। अगर हम लोग जैसे वेदर में रहते हैं, अगर ऐसा गर्मी है तो आपका तो ये 5-6 घंटा में रेडी हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, 5 से 6 घंटा के लिए फूलने के लिए रख देंगे। अब आप इसको 4-5 घंटा बाद खोलें, कितना बार क्या होता है कि नहीं हुआ, आपको जैसे लगा कि मैं थोड़ा सा और फूलता तो अच्छा होता, तो फिर आप इसको आधा घंटा के लिए ढक के रख दीजिए। इसको 100% फूलना ही फूलना है, चाहे आपका बेसन हो चाहे सूजी हो। अब इसके बाद आप इसे डोसा बनाइए, इडली बनाइए। लेकिन डोसा इडली बनाने से पहले आप मेरा बहुत सारा वीडियो देखिएगा, हम लोग इस प्रोसेसिंग के बाद, फॉर्मेट करने के बाद, हम लोग उसमें केमिकल मिलाते हैं। मैं ये यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ फॉर्मेट करने का तरीका मैं बताई हूँ। अगर आप उत्तपम बनाना चाहते हैं तो इसको 2-4 घंटा बाद बना सकते हैं। अगर डोसा बनाइएगा तो मैंने उसमें केमिकल मिलाई हूँ। अगर आपको इडली बनाना है तो इडली बनाने के लिए भी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, वो वीडियो भी मैं अपलोड नहीं की हूँ, मैं बाद में दिखाऊँगी। लेकिन फॉर्मेट करने का तरीका यही है, चीनी आपको डालना ही डालना है। चीनी डालने से बहुत जल्दी ये फूल जाएगा।
अब मैं इसको ओवन में अपना रख दूंगी 4 से 5 घंटा सेट होने के लिए। अब मैं इसको ओवन में ऐसे रख दूंगी। आप देखिए मैं 4 घंटा इसको रखी थी, ये थोड़ा सा खमीर भी जम गया है और फ्लफी जैसा भी हो गया है। आप देखिए कितना अच्छा से फूल गया है ये। अब आप इसमें सोडा डालिएगा तो ये डोसा होगा और अगर इनो डालिएगा तो इडली होगा, ये आपके मन के ऊपर है। मैंने डोसा रावा डोसा वोसा का दिया है वीडियो, आप चेक कर सकते हैं। देखिए कितना हल्का हो गया, कितना अच्छा से फूल गया है ये। अगर ढोकला बनाएंगे तो जैसे बेसन में भी आप ऐसा कर सकते हैं तो भी ऐसे फूल जाएगा, फिर उसके बाद आप ढोकला बना सकते हैं। देखिए बेटर कितना अच्छा से फूल गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप उसको लाइक करें और कमेंट पास करें और आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लाल बटन दबाएं।